ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हमारे पास है 10 सुंदर और सुशील लड़के जो इम्प्रेस करने वाले मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड सोनाली को। एंड आज की वीडियो में होंगे 5 राउंड। ये है राउंड नंबर 1, जिसमें आपको आगे आना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एक पिकअप लाइन मारनी है। ये हाथ और ये हाथ, अगर पिकअप लाइन अच्छी लगी तो, अगर नहीं अच्छी लगी तो लेफ्ट स्वाइप। हाय, मेरा नाम केशव है, लोग मुझे सरकैस्टर के नाम से जानते हैं। मेरी उम्र 24 साल की है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने शाहरुख खान की मोहब्बतें मूवी देखी है? उसके अंदर एक गाना है, जो नाम दिल पे हो लिखा इकरार उसी से होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार। So, am I rejected? हाँ। नहीं, मुझे आपका गाना अच्छा लगा, बट आप कुछ और गा के सुनाओ। Do you want to try again? I will try again. Let's go, Keshav, let's go. जदों अंबरा वरसया पानी। नहीं, मुझे अच्छा लगा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए you are right. लड़की ने तो रोज दिया नहीं, तो मुझे रोज देना। Next. ये दिन मैं ले लूँगा, मैं। So, my name is Karan. My age is 25. अपना फोन दिखाओगे एक बारी? चोर। जिस फोन में मेरा नंबर नहीं है वो किस काम का? बट आपने मेरा फोन तोड़ दिया। भाई पैसा बहुत है भाई, देख गिव अवे करता रहता लाख लाख रुपए का। 14 Pro Max। बिल्कुल। चलो ठीक है, सही है। Let's go। ये याद और ये याद। क्या बजन? क्या बजी? ताली। ताली है ना? जैसे ताली बजी ना, वैसे हम ऐसे मिल जाना चाहिए। हमको भी ऐसे मिल जाना चाहिए। मेरे घर वालों को मेरे को टेंशन नहीं है, दो दिन खाना वाना नहीं खाऊंगा ना तो मान जाएंगे। अगर तुम्हारे घर वाले पाना खानी करेंगे तो एक खुले हाथ से तुम्हारे बाप की गर्दन पे एक करारा चमाट मार दूंगा। शादी के 10 दिन बाद उठेंगे, बोलते हैं कि मैं खाऊं पे। ये तो मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा गंदा था, मेरे पापा को मारोगे आप? मैं सलमान भाई का फैन। मुझे गुंडा गर्दी नहीं पसंद, और मुझे आपको देख के ना थोड़ी भाई वाली फीलिंग। चलो भाई ने बोला था डायलॉग, इसलिए वो सिंगल है। इट्स अ बिग नो। बिग नो। नेक्स्ट। हाय। हेलो। माय नेम इज उदित राजपूत, बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। आई एम 24 इयर्स ओल्ड एंड सोनाली आई वांट टू आस्क, are you tired of being adult? If yes, you can be my baby anytime. कितने पुशअप मार सकते हो? कितने लगवाने हैं तुम्हें? 20. बस। ओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 20, 20, 20, 4, 5. आशिक। बिग नो। नहीं मैं। मुझे जिमिंग बहुत पसंद है और जिम वाले लड़के भी बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मेरा नाम बैलेंस कुंद्रा है, मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। और डू यू नो हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद एच एंड माय हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद यू। बोलने वाले लड़के तो ये सारे हैं। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार कर बैठा हूँ, लेकिन आने वाले 2 साल में एक लड़की को मैं और प्यार करूंगा जो तुम्हें मम्मी बोलेगी और मुझे पापा। भाई साहब बेटी प्लान कर लिया भाई ने, तुम्हारा सबका पत्ता कैंसिल, मिलते अगले शूट में। मतलब मुझे आपकी लाइन तो अच्छी लगी, बट चलो ठीक है। यस। ये लाइन कितने लड़कों को सुनाई है तुमने? झूठ नहीं बोला, झूठ की कसम पहली है। जनाब तुसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। Hi Sonali, I'm Sunny and I'm 22 years old. तो मेरी मम्मी का एक सपना है कि मैं एक ट्रॉफी लाऊं घर पे। So will you be my trophy wife? तुमको पता है ना ट्रॉफी वाइफ किसे कहते हैं? लाइक अगर तुम्हारी जैसे सुंदर लड़की अगर घर पे जाएगी वो ट्रॉफी से कम नहीं होगा। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जासूस भैया के साथ जाके गूगल पे सर्च करना चाहिए कि ट्रॉफी वाइफ किसे कहते हैं। पैरों में गिर जा। Is it a no? Manjodidi. Yes. आपको left flight मिला है? हाँ पता है। Are you ready for the punishment? सारे दो मिनट। अरे रुक जा यार। और
हाय हेलो माय नेम इज आशु और मैं एक लाइन बोलूंगा ठीक है आपको लाइन कंप्लीट करनी है कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू नहीं मैं समझ चुकी हूँ कि इसके आगे मुझे क्या कंटिन्यू करना है जो मैं अभी नहीं करना चाहूंगी इसलिए आप भी नो यार ऐसा इतना अच्छा गाया था मैं भी यस कर देता यार सुना ली एक बार वी एक्चुअली वांट टू नो दिस इतना अच्छा गाया तो क्यों नहीं जैसे मुझे उनको देख के बड़े भाई वाली फीलिंग आ रही थी इनको देख के मुझे छोटे भाई वाली समझ कर ऐड वही समझ कर ऐड कर देती यार भाई नहीं तेरे भाई भाई कहूं तेरा मैं नाम तुम्हें पता ही है नहीं नहीं पता माय नेम इज सागर ठाकुर आई एम 24 इयर्स ओल्ड पिकअप लाइन चीफ लड़का ही मार लेते हैं साधारण लड़कियां भी फिदा हो जाती है बट यू आर स्पेशल दैट्स व्हाई आई हैव किटकैट फॉर यू ये किटकैट लो और मेरे साथ ब्रेक पे चलो ये तो मैं पक्का ही ऐसे क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है हद है ब्रेक मांगी तो उसने ब्रेकअप कर देना चाहिए नहीं नहीं ये चॉकलेट की वजह से आपको मैं यस बोल रही हूं लेकिन हद हो गई यार माय नेम इज हार्दिक एम 21 If I have to rate you out of 10, I'll rate you 9. Ask me why. Why? Because I'm the one you need. यार ये लाइन ना मैंने बहुत बार सुनी है. Sorry, but so it's a no. कोई anyone wants you to? मैं मेरी बारी है इस बार. आवाज बहुत अच्छी लग रही है आवाज मेरा नाम करण है आई एम 23 इयर्स ओल्ड मेरा फोन बहुत ज्यादा खराब है और ये एक ही तरीके से ठीक हो सकता है अगर आप इसमें अपना नंबर डाल दो ठीक है मैं आपको एक चांस दे देती हूँ एंड इट्स यस थैंक यू राउंड वन के एंड में 6 बंदे होते हैं हमारे सेलेक्ट और 4 बंदे होते हैं एलिमिनेट लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2 ओके राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 2 होने वाला है स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशन बिकॉज सोनाली ने बोला था कि भाई उसको जो भी लड़का चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए बिकॉज कई बार लड़ाई हो जाती है तो यू नो प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए कोई किसको लग रहा है कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है आधा पादा कौन पादा किसमें ताकत सबसे ज्यादा ये रहे रहा प्यार की ताकत भाई की प्यार की ताकत बहुत ज्यादा है तुम ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो सोनाली सबसे पहले तू हिट लेना चाहेगी ओके टोटल स्कोर हुआ है सोनाली का 58 आई होप बॉयज आप लोगों का बहुत ज्यादा हो इससे स्कोर क्योंकि इस राउंड के बाद दो बंदे एलिमिनेट हो जाएंगे जिनका स्कोर सबसे कम हो ओके करण तो पहला बंदा है जो इस पे मारने वाला है ऑल द बेस्ट तो दुश्मन की नली 44 पे आपका स्कोर आया बेटर लक नेक्स्ट टाइम वो 44 पे चला गया तेरे को क्या उम्मीद है 44 से ज्यादा तो मार ही लूंगा सोनाली डू यू वांट कि 44 से ज्यादा मारे चाहती तो हूँ मैं क्योंकि 44 तो मुझसे ही कम है अरे यार ले भाई साइड हो जाओ जय माता दी गड़बड़ है इसमें जय श्री राम सोनाली कुछ कहना चाहेंगे बैलेंस को ऑल द बेस्ट लेट्स गो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले क्या लगता है तेरी बॉडी देख के चौका नहीं मार लेगा भाई मेरे सर पे लग जाता है क्या कर रहा है अरे 48 ब्रो कुछ कहना चाहेगी इसको प्लीज मुझे जरूरत है ऑल द बेस्ट ही बोल सकती और 44 से ज्यादा मार देना लेट्स गो करण 44 चलो
कोई दिक्कत नहीं गाइस, लेट्स मूव ऑन टू राउंड 3। ओके राउंड 3 और सेटअप से आपको पता चल गया होगा हम क्या करवाने वाले हैं अपने लॉन्डो से। बट मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी फरमाइशें बहुत ज्यादा है। इसका कहना था कि हर इंसान की खुशियों का रास्ता पेट से होता है। हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि जो भी लड़का उसको पसंद करे वो एक शेफ हो। ऐसा ऐसा क्यों है? बिकॉज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, टेस्टी खाना मिल जाएगा। बट तूने एक चीज नोटिस करी? हाँ। यहाँ पर 4 लड़के हैं और यहाँ पर पैंस जो है वो टोटल 5 है। तो यू शुड नो इट, ये हमारी गेम है, इसके अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। ओके, तो जासूस और करण तो पहले ही घर चले गए थे, तो अब हमारे पास डेंजर जोन में बच्चे हैं सिर्फ ये 4 जाने। इनमें से किसी एक को तू लेके जा सकती है राउंड 3 में। कोई कुछ कहना चाहेगा कि उसको क्यों लेके जाए? उन्होंने कहा था कि इनको फिटनेस प्लस खाना दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने एक गलती की थी, लेकिन मेरे पास 2 प्लस पॉइंट है कि मैं फिट भी हूँ प्लस मुझे खाना बनाना भी आता है। मैं कार्तिक आर्यन की मिमिक्री भी कर सकता हूँ और खाना तो हम देख लेंगे अगर करें। थोड़ी सी कार्तिक आर्यन प्रॉब्लम ये है कि लड़की है और क्या प्रॉब्लम होनी है। और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी लड़की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात है, प्रॉब्लम तो जब इंसान भुखमरी से मर रहा होगा तब कार्तिक आर्यन तो बहुत थोड़ी सुनेगी। मेरे को एंटरटेनमेंट करना भी आता है, खाना बनाना भी आता है। एंटरटेनमेंट की बात करी तो खाना और गाना तो आपने सुन रखा है। खाना मैं बना के खिला दूँ। कौन जाएगा इनमें से आगे? तो मैं इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे सच्ची में कार्तिक आर्यन बहुत पसंद है, बट ये बोल रहे कि बहुत एंटरटेनिंग है तो खाना तो मैं बना लूंगा। तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगी क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की कार्तिक आर्यन। लेट्स गो। सॉरी मैं एक बार फिर घर जाना पड़ेगा। आप लोगों के पास होने वाले 30 मिनट्स एंड आप लोग कुछ भी बना सकते हो। वहां पर आपको सारा सामान मिल जाएगा, जितनी अच्छी चीज बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एंड आप में से 2 जाने हो जाएंगे इस राउंड से एलिमिनेट। आटा निकाला, मेरे को लगा था मैगी बना के सारे निपटा लेंगे बट यार टाइम आटा मिलना चाहिए। टमाटर कट रहा है भाई साहब, बर्गर बनाइए। वैसे मैं एक तरह से चीज पूछ रहा हूँ, क्या फरमाइश है तेरी? मैंने तो बोला कि कुछ अच्छा बनाए, परांठे सैंडविच। तेरे को कुछ बनाना आता है? मुझे सब बनाना आता है। ये क्या कंफ्यूजन चल रही है? मैं सोच रहा हूँ कैसे बनाता था उसको। किस चीज को? कुछ तो बना रहा हूँ मैं सरप्राइजिंग कुछ। भाई हाथ नहीं काटना, तुम्हारे तो छाती पे गोली चलूंगा। भाई ये तवा गरम हो गया है भाई, ये तो पूरी आटा इसने कर दिया। भाई ये देखना यहाँ पर टमाटर प्याज कट गए, ऑन नहीं हो रहा। ये देखना बेटा ऑन ऑफ, धमाका होगा धमाका। ये क्या टेम्परेचर सेट कर रहा है? हाँ हाथों को यूज करना। हाँ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। थोड़ा आटा चाहिए। अच्छा ये सेंटर में नमक शमक किसको चाहिए? क्या कर रहा है भाई? अरे अभी बनेगी। इतना पानी? सच बता रहा हूँ भगवान का सब, पहली बार देख रहा हूँ ऐसी चीजें। बिल्कुल सही है। ओ तेरी अप्रैल लाया हम तेरे लिए। मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ कपड़े खराब ना हो जाए। लो भाई तुम भी बांध ले। लो भाई तू भी, तू बता तो दे तू क्या बना रहा है? इतनी देर से वर्क कर रहा है इस चीज पे। मैं पनीर रोल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पनीर रोल? हाँ। ये क्या है? मैं प्यार का बर्गर बना रहा हूँ भाई। भाई मैं पनीर की बुर्जी बना रहा हूँ देसी स्टाइल। मैं मैगी बना रहा हूँ, मसाला मैगी। यहाँ पनीर का पराठा बन रहा है, इसका मेरे को पहले पता चल गया था। ये मम्मियाँ कैसे कर लेती है खाना बनाना? रिस्पेक्ट फॉर मॉम। ओके तो 15 मिनट होने वाले हैं, तेरे को क्या लग रहा है सबसे आगे कौन चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पनीर का परांठा बना रहे हैं वो काफी ज्यादा मेहनत का काम है और फैसिनेटिंग चीज वही लग रही थी सबसे ज्यादा। नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है कि सब पनीर का यूज कर रहे हैं, मुझे पनीर बहुत पसंद है। ओके तो इट्स टाइम टू रेट देयर फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल तालियां सबके लिए। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना अच्छा अच्छा बना पाएंगे, बट इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। अब इसको रेट करना है इनको आउट ऑफ 5। जिन 2 के सबसे कम मार्क्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले मैं परांठा ट्राई करूंगी क्योंकि सूप तो प्रीमेड है और ये ज्यादा मेहनत वाला काम है। भाई ने पूरा ऐसे पराठे की प्लेट तो दिखा दे, पनीर पराठा उसके साथ प्रेजेंटेशन, प्याज नींबू और सूप। धक धक। नहीं मतलब परांठा अच्छा है बट ये पता नहीं चल रहा कि पनीर का है।
पांच में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप इसको? तो मैं इन्हें दूंगी 3.5 बिकॉज परांठे में मेहनत लगती है, तो वो तो ऑब्वियस बात है, काफी मेहनत की इन्होंने। पनीर तो नहीं पता चला पराठे में, बट पराठा अच्छा स्वाद लगा, 3.5 मार्क्स दिए। टाइम फॉर इस रेसिपी का क्या नाम है? मसालेदार लफाड़ेदार मैगी। लफाड़ेदार क्या होता है? मतलब प्यार से बनाई हुई। लफाड़े के दाने दाने पे सोनाली का नाम लिखा है। ओ भाई चम्मच पूरा चाटा और दोबारा लिया जा रहा है। देखो मतलब अच्छी है ये, देखो ये दोबारा सो रही है। एक सेकंड, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कैसी है? नहीं अच्छी है, नमक थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैगी तो कोई भी बना ले। हाँ, बट मैगी मैगी जैसी है। एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, उस हिसाब से तो काफी अच्छी है। मैं इसे दूंगी 2.5 नहीं भाई, टेस्ट के हिसाब से मैगी वो नहीं देखना। नहीं 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 2.5 वो भाई साहब नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन ऑफ द ईयर, आई लव यू लिखा हुआ है केचप से। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल टेस्टलेस हो रहा है। कितने मार्क्स? 3 क्या डिश का नाम क्या सर? पनीर की भुर्जी और पत्थर वाली रोटी। भाई वो तो सूख गई, इतना टाइम सूख नहीं गई भाई। आइए टेस्ट करिए। देखो उनको कार्तिक आर्यन पसंद था, मैंने एक्टिंग नहीं भाई, उनको पनीर की भुर्जी पसंद है, मैंने बना के दिया। यार वो तो अब सूख गया ना, टाइम हो गया उसको। नमक थोड़ा सा कम है, बट वैसे जैसे होती है पनीर भुर्जी वैसा ही टेस्ट। मार्क्स कितने देना चाहिए इनको? मैं दूंगी 4 ओके, तो उदित क्या है इस डिश का नाम? ये मैंने बनाया था मस्त पनीर रोल, पर ये तुम्हारे इंतजार में ना सूख गया। तो 4.5 ओके, तो राउंड 3 के बाद सरकास्टर और बैलेंस जाएंगे अपने घर को, और ये 3 लौटने जाने वाले हैं नेक्स्ट राउंड में। तो कुछ जाते वक्त कहना चाहोगे? लड़की गलत थी, अब इनकी छोटी बहन में ट्राई किया जाए। Let's move on to our next round. Let's go. Okay, तो round number 4 और इस round में आप सबको मिलने वाले हजार रुपए। तेरे को नहीं मिलेंगे, ये 1000 रुपए में तेरे लिए शॉपिंग करने वाले हैं। इनके पास होंगे 10 मिनट और जो सबसे अच्छा गिफ्ट इसके लिए लेके आएगा वो जाएगा फाइनल राउंड में। वो दो जाने, एक जाना हो जाएगा इस राउंड में एलिमिनेट। तो जैसे ही हम जंप करेंगे हम पहुंचेंगे अपनी लोकेशन पे और आपका टाइम हो जाएगा स्टार्ट। सो 3, 2, 1 जंप। ये हमारी लोकेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भागो भागो भागो, 1000 रुपए में मैं क्या लूंगा यार? 1000 रुपए में क्या आएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उदित बहुत बोल रहा था कि कुछ वो सोच रहा है कुछ लाने की, तो देखते हैं। उदित वैसे लड़की पटाने में बहुत तेज है गाइस, खाली छोड़ी पटाता है। एक मिनट में आता हूं। यार वो तो प्रेशर है ना भाई, सेकंड लास्ट राउंड है, अब मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं आउट हो जाऊंगा। चेन ले लेकिन काउंट होगी, वो हो गया 10 मिनट। तो हमारा 10 मिनट पूरा हो गया, मैंने 3 चीजें ले ली है। नहीं मेरा हो गया था 10 मिनट में, बट थोड़ा बिलिंग में टाइम लग गया। हॉल इतना बड़ा है, आई डोंट नो ये लड़के क्या ले रहे क्या नहीं, ये तो हमारे को पता चलेगा स्टूडियो जाके। ओके, तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमारे तीनों लौंडे द बॉयज अपने गिफ्ट्स ले आए हैं एंड ये अभी एक एक करके प्रेजेंट करने वाले हैं। बट गाइस वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। लड़की को अपनी सहेलियां अच्छी होती है जज करने के लिए गिफ्ट, तो मैं सहेली बुलाने वाला हूँ। आ जाओ केशव। तो मैं हूँ सबकी सहेली। मेरे को पता था कि मेरे बिना ना वीडियो बोरिंग हो जाएगी, तो मेरे को आना ही पड़ा। हार्दिक वो भी एक ब्रांड से। सबसे पहले इन्होंने बोला था इनको न्यूड कलर की लिपस्टिक बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो वो मैं लेके आया। और लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है कि हम उनके बारे में छोटी छोटी चीजें याद रखें, नोटिस करें। इन्होंने बोला न्यूड कलर मुझे याद था। इन्होंने बोला कि एक्सेसरीज भी पसंद है इनको। 4 रिंग्स है और एक ब्रेसलेट है। ऐसी गाय को पहनाते हैं हमारे गांव में। नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा था कि सुबह से हम शूट कर रहे थे, तो तुम्हें भूख लगी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे भी काफी लगी थी। तो मुझे लगा गिफ्ट्स हम बाद में भी ले लेंगे, पहले कुछ ऐसा लेता हूँ जो जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए, और तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया चॉकलेट पेस्ट्री। फिर मुझे याद है कि तुम्हें एक्सेसरीज भी बहुत पसंद है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए लेके आया एक नेक चेन। फिर मुझे याद है तुम्हें एंकलेट भी शायद पसंद होगा या फिर ब्रेसलेट वगैरह कुछ, तो फिर मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए ब्रेसलेट एंड इयररिंग्स की भी मैंने।
भाई भी नाइस कह रहा है, सहेली मान गई, सहेली मान गई, वाह भाई एक्चुअली अच्छा था। ओके तो फाइनली मिस्टर करण, ये इतने सारे टैटूज एंड ऑल के साथ, सबसे पहले तो मैं ये किचन लेके आऊं टॉम एंड जेरी वाला, ये देखो लड़ते फिरते रहते हैं पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, ये एक तुम लेके जाना जरी वाला, टॉम वाला मैं ले जाऊंगा, आपस में लड़ते फिरते रहेंगे, प्यार से रहेंगे। नेचुरल फ्लावर से बना हुआ है, एक ये रिंग लेके आया मैं ईमेल आई वाली, जो ताकि किसी को आपको किसी की नजर ना लगे। पहले सहेली की राय, सबसे अच्छा गिफ्ट किसका लगा? इन दोनों का ठीक था, सहेली का काम हो गया, मिल जाएगी। बहुत ज्यादा अच्छे गिफ्ट है सारे, मतलब एक्चुअली मैंने जो जो बोला था वो सब इन्होंने नोटिस किया, बट सिर्फ मैं इसलिए इन्हें आउट कर रही हूँ क्योंकि ये सेल से मेरे लिए गिफ्ट लेके आए और इन्होंने ओरिजिनल प्राइसेस पे लिए सारे। अब बजट 1000 रुपए था तो मैं क्या करता? ये लड़कियों का यही सिस्टम है, खुद शॉपिंग सारी सेल से करेंगी। सही में लड़का सेल से उठा ले तो आउट, ये कौन सा सिस्टम है भाई बताओ यार। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बट ही डिड वेरी वेल हार्दिक, वेल प्लेड, एंड यू टू गाइस आर गोइंग टू द ग्रैंड फिनाले, लेट्स गो। ओके तो फाइनली इट्स द ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड प्रीमियर, और अब डिसाइड हो जाएगा कि कौन है वो 10 में से एक लकी बॉय। और मैं एक्चुअली जैसे पूछना चाहता हूँ, सुबह से इतनी अटेंशन, इतना प्यार, इतनी मेहनत कर रहे लड़के तेरे लिए, तो हाउ डू यू फील? मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और लड़कियों को तो अटेंशन पसंद ही होती है तो। ये बात तो सच्चा है। इस राउंड में हम तेरे को देंगे एक एक सिंगल डेट का मौका, तूने उनसे 3 चीजें करवानी है। फर्स्ट ये केक वो मारेंगे अपने मुंह पे, सेकंड वो ये प्रॉप्स यूज करेंगे और तेरे को हंसाएंगे, थर्ड जो चीज है वो तू अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक तेरी आइडियल डेट प्लेस क्या है, एंड उनके बेसिस पे तुझे जज करना है कि हु विल बी द लकी बॉय। हाय, ऑल द बेस्ट, बहुत कुछ हो सकता है तेरे साथ। स्टोल काफी सही लग रही हो यार तुम। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर आइडियल डेट? यार माय आइडियल डेट वुड बी एनी, वी कैन गो फॉर अ कॉफी और समथिंग, ठीक है, पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो वहां पे, जहां तुम और मैं हूं, ताकि अच्छे से कन्वर्सेशन हो जाए, मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। मूवी के लिए जा सकते हैं क्योंकि मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, एंड आई अज्यूम तुम्हें भी मूवीज काफी पसंद होंगी। मुझे कॉफी भी बहुत पसंद है। फिर तो कॉफी भी हो जाएगी, मूवी भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी मूवी बहुत पसंद है, एंड उसके बाद वी कैन प्लान लाइक नेटफ्लिक्स डेट और समथिंग। वेरी नाइस। अब ये आपका नेक्स्ट टास्क ये जो केक है ये आपको अपने मुंह पे लगाना है। ऐसी डेट पे तो मैं कभी नहीं गया लाइफ में। काफी सुंदर केक है। सुन तभी तो कह रहा हूँ, इसको मुंह पे लगा के वेस्ट क्यों करना है यार, ये देखना है मुझे कि क्या तुम ये कर सकते हो तुम्हारे लिए। यस, अच्छे से लगा लो, फेशियल कर लो पूरा। बहुत अच्छे लग रहे हो। I know. Very sweet. तो अभी आपका लास्ट टास्क है कि ये जो प्रॉप्स रखे इनमें से कुछ भी यूज करके आपको मुझे हंसाना है। ये पहन लेता हूँ यार, ये कूल लगूंगा ना इसमें। नहीं भाई ये नहीं आएगा, सॉरी। क्या कूल बनने आया था मैं, फूल बन गया उसके सामने खड़े खड़े होके, तो ये सोचो मुझे लग कैसा रहा होगा, तुम सोचो मेरी फीलिंग इस टाइम पे, तुम समझ सकती हो। हाँ तो आई थिंक यही मतलब काफी हंसा दिया मैंने तुम्हें, हो गया मेरा, और प्रॉप्स पहन के, ठीक है। ओके तो इट्स टाइम, हमारे कंटेस्टेंट करण की डेट पे जाने वाला है, एंड जो पिछले बंदे के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है, तो आई होप यू गो फाइन। डराओ मत भाई। क्या है आपके? बहुत बढ़िया, तो आप रेडी हो किस चीज के लिए? ये बहुत एडवेंचरस डेट के लिए, तो एडवेंचर पार्क चल रही थी यहाँ के बैठे हुए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर आइडियल डेट? मैं देखो पंजाबी बंदा, हम अपन रहने वाले वेस्ट दिल्ली के, तो हमें रहा है कि भाई बंदी पहन के सोना सा सूट, तो अपन बुलट पे घूमे और जाएं, परांठे वरूठे खाएं, घर आए रात को नेटफ्लिक्स देखे आराम से, कोई सबको नेटफ्लिक्स इतनी फैसिनेशन क्यों है? मेरे को बड़ा पसंद है यार नेटफ्लिक्स, मतलब घर पे चिल करना मेरे को बहुत पसंद है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्लब्स एंड ऑल, मेरे को शोर शराबे से अच्छा घर पे बैठे कुछ भी सीरीज लगा लो, कुछ भी मूवीज लगा लो, मैं बिग बॉलीवुड हॉलीवुड फैन। ओके ठीक है, तो आपका सेकंड टास्क ये है कि आपको ये केक अपने मुंह पे स्मैश करना है, और अगर ना करना हो तो? आप कर सकते हो ऑप्ट आउट। ये तो इतना अच्छा केक है, क्यों खराब करना है इसको बेचारे को? मैं नहीं करना चाहूंगा, मेरे थोड़ा मेरे को दाढ़ी साफ करनी पड़ती है यार, बहुत फेस वॉश करना पड़ता है, यू नो मेंटेनेंस, तो आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट, आई एम सॉरी। दोनों खाते हैं पहले आप अपना थर्ड टास्क, उसके बाद हम ये। हाँ हाँ हाँ। आपको इन प्रॉप्स को यूज करके कुछ भी फनी करना है जिससे मुझे हंसी आए। अरे ये दूसरी बार डरी हूँ मैं इससे, हंसी आ गई ना? आ गई आ गई, इजी इजी जॉब फॉर मी। हो गई डेट पूरी? अभी तो बहुत छोटी सी है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है भाई, नहीं नहीं मिल रही थी यार, जो स्पीड डेटिंग है ये स्पीड डेटिंग है भाई, खत्म हो गई डेट, आप उठिए अब जाइए। तो लास्ट राउंड में करण, ये केक क्यों नहीं लगाया भाई? आप देख ही रहो यार इतनी मेहनत है यार, क्यों
नहीं ऐसे नहीं खराब कर सकते। प्रॉप से जो तुमने डराया है, उन्होंने बोला हंसाना है तो डरा दिया आपने। मैंने हल्का सा कुछ मूवमेंट करी, वो हंस पड़ी। मैं कहा हो गया काम। दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा स्टार्ट से लेके एंड तक। एंड गाइस तुम भी, तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड फाइनली इट्स टाइम सोनाली तू बताए कि कौन है विनर एंड किसके साथ तू जाना चाहेगी एक प्रॉपर अच्छे डेट पे। सो जो विनर है वो राउंड वन से कंसिस्टेंट है और लाइक हर चीज नोटिस करना जो भी मैं बोल रही हूँ और अच्छे से बात करना और जो भी लड़कियों को पसंद होता है। और सबसे बड़ी चीज आती, मतलब आती क्या, मुझे हर बार ये कॉम्प्लीमेंट दिया है हर आउटफिट पे। सो इसलिए विनर है उदित। Yes, camera. तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इनकी डेट के अलावा अगर आप देखना चाहते हो हमारे भाई उदित को 100 डेट्स पे जाना तो 1 मिलियन लाइक्स इस पे कमेंट कर दो और उसकी पहली डेट तो ही होगी उसमें। तो तब तक वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।